सो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सैमसंग गैलेक्सी F13 यानी कि F13 मोबाइल में आप किस तरीके से फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक को लगा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक लगाने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है नीचे की तरफ, और एक ऑप्शन मिल जाएगा बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी का। तो आपको बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। ऊपर देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट, तो आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पैटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना पैटर्न बना लीजिए जो भी आप रखना चाहते हो, उसके बाद नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद फिर से पैटर्न डाल दीजिए और कन्फर्म पर क्लिक करें। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ये बताएगा कि क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये बोल रहा है कि अपनी फिंगर को जो है फिंगरप्रिंट पर स्कैन करवाइए। तो चलिए मैं अपनी फिंगर को जो है फिंगरप्रिंट जो आपके दिया गया है साइड में, इस पर मैं स्कैन करवा देता हूँ। तो आपको भी यहाँ पर बार बार जल्दी जल्दी से करके स्कैन करवा देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं स्कैन करवा रहा हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से स्कैन करवा देना है। और ये डन हो चुका है, तो यहाँ पर डन करेंगे दोस्तों। अब आपका फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक जो है वो सेट हो चुका है। अभी आप देखोगे तो मैं जैसे ही यहाँ पर फिंगर लगाऊंगा तो यहाँ पर देखिए ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक को सेट कर सकते हैं।